मध्य प्रदेश में मिलावटी दूध की शिकायत लगातार मिलने के बाद उज्जैन खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। बड़नगर रोड स्थित दूध चिलिंग सेंटर बगैर लाइसेंस के संचालित होता पाया गया, जिसका पंचनामा बनाया गया। वही रेस्टोरेंट व अन्य जगह से दूध व दूध से बनी खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से सिंथेटिक दूध की शिकायत मिलने के बाद आज जिला कलेक्टर शशांक मिश्रा के निर्देश पर उज्जैन खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा दूध सेंटर व रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आधा दर्जन फूड अधिकारियों ने आज आकस्मिक निरीक्षण के रूप में छापेमार कार्रवाई की। खाद्य विभाग की एक टीम ने पहले शहर के दूध व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए। इसके बाद बड़नगर तहसील के चिकली व इंगोरिया में कार्रवाई को अंजाम दिया। खाद्य विभाग ने चिकली स्थित कृष्णा चिलिंग सेंटर पर जांच के दौरान पाया कि महिंद्रा फार्म के चिलिंग सेंटर को बगैर लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। वहीं इंगोरिया के रेस्टोरेंट पर भी साफ सफाई के अभाव नजर आए। यहां भी टीम ने दूध व मावे के सैंपल लिए। मुरैना भिंड ग्वालियर क्षेत्र में नकली दूध की शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके बाद कार्रवाई की गई। उसी क्रम में हमको वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हुई थी कि हम उज्जैन में भी कार्रवाई करें, और इसी क्रम में हमने कल कार्रवाई की थी, 5-6 डेरों पे कल कार्रवाई की थी। आज भी हमने चिलिंग प्लांट से कृष्णा इंटरप्राइजेज कार्रवाई की है। उसके बाद हम लोग यहाँ आए और लगातार दूध और दूध से बने जो उत्पाद हैं, खासतौर से पनीर, मावा और दूध, इनकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तक कितनी जगह कार्रवाई कर? अभी तक हम लोग 5 जगह कार्रवाई कर चुके हैं और 6 सैंपल कलेक्ट किए। इसके अलावा आज हमने जो कार्रवाई की उसमें हमने कृष्णा इंटरप्राइजेज से दूध